भारत के टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबला और कड़ा होने जा रहा है। वोडाफोन और आइडिया ने अपने कारोबार के विलय का ऐलान कर दिया है और इस मर्जर के बाद ये टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी होगी। आइडिया और वोडाफोन के भारतीय कारोबार के विलय का औपचारिक ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ ही 2018 तक देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी। इसमें वोडाफोन का 45% हिस्सा होगा, वहीं आइडिया प्रमोटर्स के पास 26% हिस्सेदारी होगी, बाकी हिस्सा पब्लिक होगा। विलय से बनने वाली नई कंपनी की वार्षिक आमदनी करीब 80,000 करोड़ रुपए होगी। इनके पास करीब 40 करोड़ ग्राहक होंगे। आमदनी के हिसाब से इनके पास 41% मार्केट शेयर होगा और 35% ग्राहक इनके पास होंगे, यानी हर तीसरा भारतीय इस कंपनी का ग्राहक होगा। जानकारी से टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का परिणाम बता रहे हैं, जो जियो के बाजार में आने के बाद और बढ़ गई। उम्मीद की जा रही है कि वोडाफोन आइडिया के विलय के बाद कॉल और डेटा की दरों में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि इस मर्जर के बाद गिनती के ही टेलीकॉम प्रोवाइडर्स बाजार में टिक पाएंगे।